हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सांचौर एसडीएम के खिलाफ कार्यवाही की मांग, बार एसोसिएशन ने दिया धरना। एसडीएम अधिवक्ता विवाद को लेकर दो गुटों ने दिए धरने। एक दूसरे के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर सौंपे ज्ञापन। सांचौर एसडीएम व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के बीच सोमवार को हुए विवाद का मामला शांत होने की बजाय तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर बुधवार को बार एसोसिएशन ने उपखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें एसडीएम पर दावों के प्रकरण की सुनवाई के दौरान पैसे लेने व विरोध करने पर गलत ढंग से षड्यंत्र पूर्वक कार्य योजना बनाकर बार अध्यक्ष के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करवाने का आरोप लगाते हुए उक्त मामले की निष्पक्ष जांच करने व दोषी उपखंड अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाने व उनके खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करवाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी ओर एसडीएम के समर्थन में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर जालाराम पुनिया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान ज्ञापन में बताया कि स्थानीय उपखंड कार्यालय में कार्यरत एसडीएम ओम प्रकाश चौधरी, जो 3 जनवरी को सवेरे 10:30 बजे नाइक कार्य कर रहे थे, इस दौरान अधिवक्ता सतराम बिश्रोही ने टेबल पर रखे पेपर वेट से कांच तोड़ दिया वो फाइलें छीनकर राजकार्य बाधा उत्पन्न की, जिसका प्रकरण सांचौर पुलिस थाने में दर्ज है, किंतु पुलिस अभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। ऐसे में उन्होंने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। इस दौरान एसडीएम व बार एसोसिएशन के बीच हुए विवाद के बाद बुधवार को परस्पर दो धरने होने से सुरक्षा को लेकर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दशरथ सिंह, पुलिस उप अधीक्षक रूप सिंह इंदा, सांचौर थाना अधिकारी प्रवीण कुमार आचार्य के नेतृत्व में सांचौर झाप सरवाना की पुलिस थानों से बुलाया गया, जाब्ता तैनात रहा। इस दौरान दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। इस बीच उपखंड मुख्यालय के समक्ष ग्रामीणों द्वारा अधिवक्ता जालाराम पुनिया के नेतृत्व में धरना दिया गया, जिसमें तहसीलदार को मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस दौरान एसडीएम अधिवक्ता विवाद के बाद पैदा हुए विवाद को लेकर एक तरफ जहां एसडीएम के खिलाफ बार एसोसिएशन ने धरना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी ओर विरोधी गुट के अधिवक्ता जालाराम पुनिया ने ग्रामीणों के साथ एसडीएम के पक्ष में धरना दिया, जिसको लेकर माहौल तनावपूर्ण रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने उक्त मामले में कार्यवाही नहीं होने पर 10 जनवरी को बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस दौरान पूर्व प्रधान हनुमान चौधरी, पूर्व सरपंच लक्ष्मण राम चौधरी, दुर्गा राम चौधरी, मूला राम चौधरी, केहरा राम लेगा, ताजा राम, माधा राम, पूरा राम, जोईता राम, राजू राम, प्रभुरा राम, पीरा राम, भेरा राम, सावला राम चौधरी, अशला राम चौधरी, जगा राम चौधरी, मोती राम चौधरी, दोला राम चौधरी सहित कई जन मौजूद रहे। इधर बार एसोसिएशन सांचौर की आपात बैठक पर बार भवन कोर्ट परिसर में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर बार नियमों के खिलाफ बार विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर अधिवक्ता जालाराम पुनिया को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सांचौर बार एसोसिएशन से 1 साल के लिए निष्कासित किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने प्रस्ताव रखते हुए बताया कि अधिवक्ता जालाराम पुनिया, जिन्होंने अपने वकालत के पैसे के विरुद्ध जाकर बार सांचौर का सदस्य होने के बावजूद एसडीएम ओम प्रकाश चौधरी के साथ 3 जनवरी की रात्रि कांच तुड़वाने, पत्रावली में अभियुक्त का साथ देने व आपराधिक कृत्य में एसडीएम का साथ देने, न्याय प्रणाली के खिलाफ आचरण करने, बार अध्यक्ष के खिलाफ समझाइश के बावजूद ग्रामीणों के साथ धरना देने सहित बार विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर बार एसोसिएशन सांचौर से 10 साल के लिए निष्कासित करने पर वो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में कार्यवाही के लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतराम बिश्रोही को अधिकृत किया गया। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतराम बिश्रोही, बाबूलाल गुदारा, बाबूलाल पालड़िया, इब्राहिम शाह, प्रकाश पुरोहित, राजेश भादु, दिलीप बिश्रोही, जयप्रकाश, प्रकाश सियाग, सुजाना राम बिश्रोही, गंगाराम बिश्रोही, अशोक बेनीवाल, भीमा राम चौधरी, ओम प्रकाश, प्रवीण राणा, भगवती प्रसाद, रवि दैया, सोहन लाल नैण, किशन लाल नैण, दिनेश कुमार, मणिराम बिश्रोही, पुरुषोत्तम राज पुरोहित, हापू राम, रमेश, राहुल, विजय रत्नेश, भजन लाल, नरेंद्र कुमार सहित कई जने मौजूद रहे। जागरूक टीवी के सांचौर से विंजाराम डूडी की रिपोर्ट।